दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में गोलगप्पे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, पर एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनके गोलगप्पे दुनिया भर में फेमस हैं। और बताया जाता है कि यहां पे गोलगप्पे अगर बच्चे खाएँ तो वो सुसु कर देते हैं, और महिला खाएँ तो चक्कर खा के गिर जाती हैं। क्या राज है इसके ऊपर, आपको मिलवाते हैं भगत जी से, भगत जी के गोलगप्पे जो ग्वालियर में सबसे ज़्यादा फेमस है। हम ग्वालियर में हैं और ये डीडी नगर रोड है, इस डीडी नगर रोड के किनारे यहाँ पे मौजूद है भगत जी के दो ठेले। तो चलिए भगत जी से मिलवाते हैं आपको, और इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं राधे श्याम, ये है अपने भगत जी का ठेला, और यहाँ पे मिल रही है धमाधम गोलगप्पे। टेस्ट करेंगे, हमारे साथ कपिल भाई हैं, इनको लेके आया हूँ मैं, और मैं भी स्वाद बताऊंगा कि कैसा है। तो सबसे पहले भगत जी से जानकारी लेते हैं, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में कि आपका शुभ नाम क्या है। हमारा नाम शुभ नाम, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर। आप सुंदर भी हैं और आपकी लैंग भाषा भी अच्छी है सर। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा नाम, मेन नाम है छोटेलाल बघेल। ओके, तो और सर आगे पीछे, और भगत जी के नाम से आपको ग्वालियर में सब जगह जाना जाता है। भगत जी तो एक प्यार का नाम है सर। अच्छा, प्यार का नाम है भगत जी का। भगत जी नहीं, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, गिरफ्त आश्रम है सर। अच्छा अच्छा, लेकिन संतों से कम भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके बारे में काफी सुना है, ये भगत जी के मतलब बच्चों को आप नहीं खिलाते और महिलाओं को नहीं खिलाते, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कारण जो है सर, देसी मसाला है, बहुत कर्रे में है इसको। अच्छा। कोई आर्मी कैसे पट्टा झेल पाएंगे, और कोई एकदम नहीं। अच्छा अच्छा, जो योगा है उनके लिए तो रामबाण है। अच्छा, मतलब पेट के लिए? जी, पेट के लिए, छालों के लिए, शुगर के लिए, अटैक के लिए, चार बीमारी नष्ट करने वाले हमने कर दिया पहला काम। तो टिक्की के माध्यम से आप दवाई भी दे रहे हैं लोगों को? मतलब हमारे में आपको शब्द कैसे उगाना, औषधि का कोई रोल नहीं है, सिर्फ संतों का है। अच्छा अच्छा, तो संतों के आशीर्वाद के ही कारण आप आज दुनिया भर में फेमस हैं। तो ये स्टॉल लगाने की मतलब कब से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत सर जब बचपन में, 1984 से। ओके ओके ओके, तो बगल में जो ठेला लगा वो भी आप ही का है, आपके पुत्र संभालते हैं उसको? अच्छा अच्छा, आपका स्टाफ है। देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और भगत जी का जब दुकान लगता है तो यहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत ही कम है, और इससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे खड़े लोग कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, तो भैया आप कुछ बताना चाहेंगे कि कब से आ रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर कस्टमर हैं इनके? 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से लगातार आ रहे हैं। तो जब भी यहाँ से गुजरने का आपका मौका होता है तो आप बिल्कुल गोलगप्पे यहाँ खा के जाते हैं? गोलगप्पे की शॉप भगत जी के, और जे ग्वालियर में सबसे ज्यादा फेमस हैं। अगर आप ग्वालियर में आते हैं तो एक बार जाके गोलगप्पे जरूर ट्राई करके जाइए। तो चलिए अब मैं भी खाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या बात है भगत जी के गोलगप्पों में। तो चलिए भगत जी का थोड़ा राज जान लेते हैं। भगत जी पानी में क्या मिलाते हैं जिसके दीवाने ग्वालियर की जनता और यहाँ तक खिंची चल जाती है, तो बताइए भाई। सर आज रेसिपी के बारे में अच्छा मूड है, मैं आज बताना चाह रहा हूँ, और अच्छा। जो देखने वालों के लिए कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना, अच्छी हुई तो देख लेना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब रेसिपी के बारे में बात बता रहा हूँ, इसके फ्लेवर के बारे में बात बता रहा हूँ। वही जानना चाहते। देखो हम सर आपको बताऊँ, भगत जी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा, जो बमूरन पे जयमाला डाल दे। जी सुनो मेरे शब्द, अगर मुझको चंदन की लकड़ी मिलती है तो हम जयमाला हंस के डाल देंगे। अच्छा। नहीं आना था, जयमाला नहीं डाल रहेंगे, संगे ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, आप भी मैं ताजमहल का ही सीन कर देंगे। तो मतलब ये रेसिपी का है? मैं चंदन की लकड़ी नहीं लगा आपको। मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। तो थोड़ा तो बता दो भगत जी यार, ये तो थोड़ा तो बता दो, तो मतलब राज नहीं बताते नहीं, आप नहीं, डायलॉग दे दो तो मैं मैं समझ गया, डायलॉग को समझ जाओ। बिल्कुल समझ गया, काम मांग रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो भगत जी का ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा हमें, ये भगत जी बातों में सारी बातें समझा जाते, बस दिमाग होना चाहिए सामने वाले के पास, है कि नहीं? तो बढ़िया भगत जी, थोड़ा हमें भी चखाइए कैसा क्या स्वाद है, जरा बताएं अपनी ऑडियंस। थोड़ा स्पाइसी है, पर जैसा भगत जी ने बताया पेट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हींग वगैरह भी भारी मात्रा में मिली गई। भारत के अंदर में दुनिया से हींग मंगाया ही, लेकिन हैदराबाद के मुकाबले हींग नहीं है अपने भारत में कहीं। वो हैदराबाद से भी हींग आते हैं? दलाल द्वारा। अच्छा अच्छा, एजेंट के द्वारा। आप ये देखो, टोटल जलजीरे जैसा स्वाद भी है। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार आए, भगत जी के गोलगप्पे जरूर ट्राई करें। तो धन्यवाद भगत जी, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें, और हमारी ऑडियंस को ये प्यार देने के लिए। आप जैसे ये धन्यवाद हमारी तरफ। बिल्कुल, आते रहेंगे।